फ्रेंड्स, माय नेम इज तनवीर फ्रॉम वी ऑटो एसेसरीज वाशी नवी मुंबई। ग्रैंड स्पोर्ट्स नहीं है, वी लाइन एडिशन भी नहीं है, लेकिन इसको आज हम बोल सकते हैं मिनी ग्रैंड स्पोर्ट्स। एमोट्रिस किट, बॉडी किट नहीं लगाई है, लेकिन बिना उसके भी हम बता सकते हैं कि किस तरीके से कार को अपग्रेड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आना चाहूँगा हेडलाइट्स की फ्यूरियस DRL से। ये जो DRLs है, जो हेक्सागन शेप में आती है विद द इंडिकेटर्स के साथ, द लुक देख सकते हैं, द प्रेजेंस देख सकते हैं कार का, इट्स सो ब्यूटीफुल। अगेन जो DRLs है फ्यूरियस, इसको अंदर से फिट किया गया है और जो इंडिकेटर का भी पोर्शन है उसे भी हमने जो है DRL का मोड दिया हुआ है विद द इंडिकेटर्स के साथ। द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार में हमने प्रो 7 के प्रोजेक्टर्स इंस्टॉल किए हैं और लो बीम और हाई बीम में हाई पावर LEDs इंस्टॉल किए हैं। फ्रंट में जो हाई ग्लॉसी ब्लैक कलर की स्कर्ट्स इंस्टॉल किए हैं और जो फोक लैंप्स के कवर है इसे भी हमने पियानो ब्लैक किया है, और एक स्पोर्ट्स मोड देने के लिए हमने ब्लैक कलर के जो बोनेट के स्कूप इंस्टॉल किए हैं। द फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं, फ्रंट हो गया। अब आएंगे बैक प्रोफाइल में। बैक प्रोफाइल में हमने वाइपर इंस्टॉल किया हुआ है ये कार में, और इसकी वे ऑफ वर्किंग भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वाइपर के भी कॉम्बिनेशन स्विच हमने चेंज किए हुए हैं लेफ्ट साइड के, आप देख सकते हैं ऑन एंड ऑफ की पोजीशन, एंड राइट साइड के भी जो ZXi प्लस की जो रिंग्स आती है वो भी हमने चेंज की है। एंड यस, दिस इज़ ऑटो। अभी एक एग्जांपल, मैं ऑफ करता हूँ तो वो अपनी पोजीशन में जाके ही रुकेगा, एंड दिस इज ऑन पोजीशन। वाटर है और अभी मैं इसे रुकेगा, ये परफेक्शन के साथ जो चीज करते हैं परफेक्शन के साथ करते हैं, और जो वाटर के वॉशर्स भी हैं प्रॉपरली हमने फिट किए हुए हैं। XL6 की हमने पिलर लाइट इंस्टॉल की है, थोड़ा सा क्रोमियम वर्क है, एंड 4 एग्जॉस्ट वाले डिफ्यूजर्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं और जेन्युइन स्पॉइलर इंस्टॉल किया है। साइड प्रोफाइल से इतनी मैं बोल सकता हूँ, गाड़ियाँ मैंने बहुत सारी बनाई हुई है, लेकिन इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ना वाइट, आज के वीडियो के बाद आप लोगों का भी दिल करेगा कि मैं इस तरीके से अपग्रेड करूँ को। 15 इंचेस के द ब्लैक एलॉय व्हील्स हमने ये कार में इंस्टॉल किए हैं। लोअर विंडो गार्निश, जो मिरर के कवर्स हैं वो भी रिप्लेस करके मैंने पियानो ब्लैक किया, ये कोई स्टिकॉन नहीं है, पूरा कवर ही मैंने चेंज कर दिया है। हाई इंफ्रारेड हीट रिजेक्शन फिल्म, डोर वाइजर जेन्युइन वाले, लोअर विंडो गार्निश, हैंडल्स के क्रोम ब्लैक पियानो, एंड साइड की क्लैडिंग भी जो ब्लैक पियानो विद द क्रोम के साथ आती है। ये कार का कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट था। यस, हमने इसमें मडफ्लैप भी जेन्युइन लगा दिए हैं जो ग्लॉसी वाले आते हैं। छोटे छोटे चीज़ों में भी हमने काफ़ी बारीकी से ध्यान दिया हुआ है, एक ब्यूटीफुल तरीके से अपग्रेड करने में हमने कोई भी कसर ये कार में नहीं छोड़ी है, लेकिन मज़ा आ गया दोस्तों। XL6 की रूफ रेल्स भी इंस्टॉल की हुई है, लेकिन ये मैट ब्लैक कलर में है। इंटीरियर में स्पार्कलिंग किट, जो हाई ग्लॉसी स्पार्कलिंग किट आती है सेट ऑफ 10 पीसेस की हमने इंस्टॉल की हुई है, प्लस चारों डोर्स में लेदर पैडिंग वर्क किया हुआ है। लेकिन जस्ट सी द फिनिशिंग ऑफ द स्टेयरिंग, स्टेयरिंग की आप फिनिशिंग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम स्टेयरिंग वर्क करते हैं। द वी स्पोर्ट्स एडिशन सीट कवर टॉप गियर ब्रांड्स के हमने इंस्टॉल किए हैं, इट्स सो सॉफ्ट। सॉफ्ट के साथ साथ एक एक आप बकेटिंग भी देख सकते हैं, बहुत तरीके से हमने इंस्टॉल किया है। जेन्युइन एल्यूमिनेटेड कफ प्लेट्स भी हमने इंस्टॉल की है। लेफ्ट साइड की डोर ट्रिम्स विद द गैलेक्सी पैड एंड द डोर ट्रिम्स का डोर पैडिंग के साथ इज अमेजिंग। जेन्युइन आर्मरेस्ट भी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं बोलूँगा दोस्तों गो फॉर दी जेन्युइन आर्मरेस्ट, और जो घेर के कवर्स भी हैं वो भी हमने चेंज किए हैं, लेकिन जो फील है ना वो स्टेयरिंग का है। एंड्रॉयड प्लेयर GT10 का 2GB रैम विद 32GB मेमोरी विद द वायरलेस एप्पल कार प्ले एंड द ट्रैजेक्टरी मूविंग गाइडलाइन कैमरा, एक कैमरे की आप क्लियरिटी देख सकते हैं दोस्तों। फ्रेम भी हमने स्पार्कलिंग ब्लैक की हुई है इसके अंदर।
बहुत ही एलिगेंट तरीके से आप बोल सकते हैं कि मैंने कार को अपग्रेड किया हुआ है। रियर डोर की भी लेदर पैडिंग, गैलेक्सी ब्लैक किट एंड प्लस सीट कवर्स। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। आमची मुंबईची कार आहे, ती अपग्रेड केलेली आहे। साहेबाचे एक रिव्ह्यू घेणार की साहेबाला कशी वाटली बिफोर अँड आफ्टर, कशी वाटली साहेब? आम्हाला जशी पाहिजे होती तिच्यापेक्षा चांगल्या क्वालिटीची बनवून दिली तुम्ही। पहिल्यापेक्षा एकदम छान, एकदम उत्तम। आणि तुम्ही सांगितलं तुम्ही काही काळजी करू नका बिंदास, आम्ही पण तुमचा विश्वास टाकला आणि त्याच्यापेक्षा विश्वासापेक्षा जास्त छान गाडी बनवून दिली, एकदम मस्त। थँक्यू सर, थँक्यू सो मच। यस विनोद, एकदम मस्त गाड़ी बनाया। ग्लॉसी ब्लैक बोल रहे थे अपने, मतलब जो आप बोल रहे थे वो हम लोग ने भी एक्सेप्ट किया, उससे भी अच्छा और बढ़िया, जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था उससे भी बढ़िया कार बन गया। थैंक यू। मैं बोल रहा हूँ ना, वी लाइन है ना, ग्रैंड स्पोर्ट्स है, इतना बजट नहीं, कम बजट में भी हम मिनी ग्रैंड स्पोर्ट बना सकते हैं, जो मैंने आज आप लोगों को बता दिया है। लेकिन बाकी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपग्रेड हुई है हमारी कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस। बाय। मी जेव्हा तिकडे गेलो तर मला गाडी बघितलं आणि त्याच्यावर प्रेम झालं, एवढी मस्त गाडी म्हणली। मस्त फक्त बघायला गेलं तर सगळीकडे रस्त्यावर गेली गाडी तर सगळेच गाडीकडे बघतात असं वर्क झालेलं आहे। आणि खरंच ते बोलले काम करना और दिल से काम करना, उन्होंने दिखाया कैसे करते। एक होता है काम करना, पैसा ले लिया काम कर दिया, और एक होता है ना समझ आता है कि वो आदमी ने दिल से कैसे एक एक चीज पे बारीकी से ध्यान दिया है। दिस इज कॉल्ड अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अपग्रेड ऑफ द एटिका व्हीकल जो हमने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हुई है। प्लीज मुझे बताना इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से लगे हैं, और ऐसे कॉन्सेप्ट भी मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। यस, वी लाइन नहीं बनानी है, ग्रैंड स्पोर्ट्स मत बनाइए, लेकिन मिनी ग्रैंड स्पोर्ट्स बनाइए आप लोगों के सामने जो हमने प्रेजेंट किया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, बिना लाइक किए आज भी मत जाना। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स।